खरगोन जिले के गोगावां से चीन पढ़ाई करने के लिए गए दो छात्र कोरोना वायरस फैलने के कारण अपने ही घरों में फंसे हैं। नगर से चीन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब्दुल मतीन पिता सलीम खान उम्र 20 वर्ष और रोहित पिता राकेश नायर उम्र 21 वर्ष है। अब्दुल मतीन चीन के सियांग शहर में गत 2 वर्ष से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वहीं रोहित नायर होटल मैनेजमेंट के कार्य हेतु चीन में हुंगई शहर में गया हुआ है। हमारे संवाददाता द्वारा अब्दुल मतीन से वीडियो कॉल पर जानकारी ली गई। इसमें मतीन खान ने बताया कि हमारे साथ भारत से बहुत से छात्र मौजूद हैं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण पूरे शहर सियान में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही हमारे पास खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका है। गोगावां से दो छात्र हैं। वहीं मतीन खान और रोहित के परिवार के लोगों ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हमारे बच्चों को खाने पीने की व्यवस्थाएं कराएं और उनको जल्द भारत लाने की गुहार लगाई। चीन में फैले कोरोना वायरस से परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं छात्रों को कोरोना वायरस का कहर सता रहा है। गोगावां से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। हाँ बोलो। मैं अब्दुल मतीन खान, हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन शियान सिटी, हुबई प्रोविंस का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल में 5-6 दिन से फंसा हुआ हूँ। अभी फिलहाल में हम लोगों को रूम के अंदर ही रहने का बोला गया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी और टॉप पूरा सील कर दिया गया। यहाँ तक कि पूरी सिटी भी हमारी सील कर दी है। अभी फिलहाल में हमारे शियान सिटी के अंदर 120+ केसेस कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड हैं। हम यहाँ पर 140 लोग हैं टोटल इंडियन स्टूडेंट, जो सभी की सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को यहाँ से ले जाकर इंडिया अपने कंट्री वापस ले जाया जाए, क्योंकि इस हालत के अंदर कोई भी नहीं चाहता है कि रहा जाए। क्योंकि इस तरीके से डर से कौन रहेगा कि अगर रूम से भी बाहर निकलते हैं तो आपको खतरा है कि आपको वायरस से अफेक्ट आप हो सकते हो। तो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप अपनी कंट्री पहुँचे। और यहाँ पर फिलहाल में तो अभी स्टॉक हमारा खाने का सब कुछ खत्म हो रहा है। पानी वगैरह सब चीज़ें हम लोगों का अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि सब कुछ बंद है। यहाँ पर मार्ट भी बंद है, हर चीज़ें बंद है। फिर भी यूनिवर्सिटी कोशिश तो कर रही है कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मिलकर के पैकेट हो गए ब्रेड, ये फिर भी हम लोगों को वो मुहैया करवा रही है, वो ला कर दे रही है यहाँ पर। मेरा बच्चा 2 वर्ष पहले अब्दुल मतीन चाइना MBBS करने के लिए गया है। वहाँ इस वक्त जो कोरोना वायरल की वजह से जो परेशानी आ रही है, काफ़ी हालात ख़राब है वहाँ पर। मैं अपनी तरफ से बच्चे के अच्छे रहने की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी और मेरे बच्चे को भी वहाँ से जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो जल्द जल्द बच्चों को लाने की वहाँ से कोशिश करें। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, खाने पीने की परेशानी है, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। मेरा ये भी निवेदन है भारत सरकार से कि बच्चों के पास किसी भी डॉक्टरों को भेज कर उनकी भी निगरानी में उनको भी रखा जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ से ज़िंदा आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो हमको सुनकर बहुत दर्द हो रहा है कि क्या करें, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ से। हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि सरकार जल्द जल्द बच्चों को लाने की व्यवस्था करे। ये निवेदन है भारत सरकार से। क्या नाम है? अब्दुल मतीन। मेरा नाम, मैं उसके पिताजी हूँ, सलीम खान, गोगावा निवास रहत है मेरा। और बस यही एक सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द बच्चों के लिए कुछ जल्दी फैसला करें कि बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलें। और काफ़ी बच्चे परेशान हैं वहाँ, कम से कम 120 बच्चे अभी उसी के हॉस्टल में हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।